कुंवर सिंह की पोत वधु हूँ और आज हमारा किला जो है मुख्य दरवाजा का गेट जो है सील कर दिया गया है। मुझे मल्यार्पण के लिए भी रोका जा रहा है। नमस्कार, मैं मनु और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। एक और जहां वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव आरा के जगदीशपुर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से चलकर आरा के जगदीशपुर पहुंचे, तो दूसरी ओर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की उपाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरा के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर उनके ही परिवार को आज के दिन उनके किले में कैद कर दिया गया है। बाबू वीर कुंवर सिंह के परिजन आज होने वाले कार्यक्रम के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह को माल्यार्पण करना चाह रहे हैं। इसके बावजूद आरा जिला प्रशासन की टीम ने बाबू वीर कुंवर सिंह के किले में मौजूद उनके परिजनों को उन्हीं के किले में नजरबंद कर दिया है, जिसका वीडियो बाबू वीर कुंवर सिंह के परिजनों ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा अध्यक्ष जय सिंह राठौर को भेज कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अजय सिंह राठौर ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिरकार बाबू वीर कुंवर सिंह को यह कैसा सम्मान दिया जा रहा है। उनके परिजनों को इस विजय उत्सव के दौरान नजरबंद कर पूर्व में उनके परिजनों की हत्या करवा दी। आज 23 अप्रैल है, वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि आज अमित शाह जी आने वाले हैं। लेकिन मैं वीर कुंवर सिंह की पोत वधु हूँ और आज हमारा किला जो है मुख्य दरवाजा का गेट जो है सील कर दिया गया है। मुझे मल्यार्पण के लिए भी रोका जा रहा है। सारे नेता आकर मेरे पैर चूमे, एसपी तक मेरे पैर चूमे। माता जी शांत रहिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। लेकिन मैं सरकार से और पूरे देशवासियों से पूछना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि जिस परिवार की पोत वधु पुष्पा सिंह का बेटा की हत्या जो है, वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा, क्या उसको लेपा पोती करने के लिए नेतागण और प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे गेट को बंद कर दिए हैं ताकि मैं मल्यार्पण करने से वंचित रहूं, ताकि प्रशासन का भेद अमित शाह जी के सामने नहीं खुल जाए। ये उनकी मंशा साफ नहीं है। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि वीर कुंवर सिंह किसी जाति विशेष के नहीं थे, पूरे देश के लिए लड़े थे। आज उन्हीं की पोत्र वधु को एक मल्यार्पण करने से उनके गेट को सील कर दिया गया है ताकि वो जाकर मल्यार्पण नहीं करे। ये तो बहाना है, मैं हर साल मल्यार्पण करती हूँ वहाँ जाकर के। मेरे पुत्र की हत्या भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई है, तभी भी मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं अपने दादाजी को मल्यार्पण करूं। लेकिन मल्यार्पण करने से मुझे रोका गया है। ये देख सकते हैं पीछे में कि मेरे दरवाजे का गेट बंद कर दिया गया, जबकि हमको सुरक्षा में एक महिला पुलिस और बॉडीगार्ड मिला हुआ है। मुझे नहीं पता है कि 23 तक मिला है कि आगे मिला है। मैं पूरे भारतवासियों से आह्वान करती हूँ, मुझे न्याय देना चाहिए। देखिए इन लोगों के अंदर कितना चोर घुसा हुआ है। जान रहे हैं कि बबलू सिंह की हत्या प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। इसके पहले भी मैं बहुत हजारों आवेदन डीएम, एसपी, डीजीपी, मुख्यमंत्री अश्विनी चौबे, पार्टी कार्यालय में, मीडिया में, मैं मेरा बबलू आवाज उठाते रहा है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। सारे नेतागण और प्रशासनगण जो है वो अपना पोल नहीं खुले मुझे मल्यार्पण करने से। अपना समय निकाल के आप हमारे पास आए हैं। आज सुबह में मुझे उनके परिजन द्वारा एक मैसेज आया कि भैया ऐसे से हैं और उनको, उनके परिवार को किले में कैद कर लिया गया है। ठीक है, ये मैसेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, उनके परिवार को कैसे पुलिसकर्मी वहाँ पर बैठाया गया है और उसको किस प्रकार कैद किया गया है। फिर उनकी माता जी ने एक वीडियो बना के भेजा मुझे कि प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, इसको वायरल कीजिए। हमने वहाँ पर कई सारे प्रशासन से बात करने की कोशिश की कि भाई ऐसा है, क्यों ऐसा किया गया है। जिस परिवार का और जिसका नाम लेके आप, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम लेके आप इतनी बड़ी शौर्य गाथा गा रहे हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं, उसी परिवार के लोगों को क्या उनको माला पहनाने का अधिकार नहीं है? आखिर अधिकार क्या है उनका? आप दो दिन पहले अपने जितने माननीय हैं उनको वहाँ अपने भेजते हैं और कहते हैं कि आपकी सारी मांगें मान ली गई हैं, आप विरोध मत कीजिए। हम कोई विरोध नहीं कर रहे, और हम सही में हमने सोचा कि चलो भाई, हम कौन सा राजनीतिक लोग हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं आपका,
हम तो भाई सीधे साधे लोग आपकी बात मान लिए, आपके छलावा में आ गए। लेकिन अब जिस प्रकार आपने ये कार्य किया, ये बहुत ही घृणित कार्य आपने किया है। आज के डेट में इस इमरजेंसी के टाइम में अगर उस माता जी को अगर कोई प्रॉब्लम हो सकता था, वहाँ पे इतना धूप है, इतना प्रॉब्लम है, इतनी भीड़ में अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता? किया क्या गया है प्रशासन के द्वारा? उनके द्वारा उनको पूरे घर को सील कर दिया गया है। पहले तो कि ना कोई अंदर से आ सकता है ना जा सकता है। अब मुझे बताइए, इस इमरजेंसी के टाइम में अगर कोई अंदर आना चाहे जाना चाहे, उनकी माता जी की तबीयत है खराब, क्यों प्रशासन के द्वारा कार्य किया? अब ये कार्य क्यों किया गया है तो वही समझे, ये क्यों ऐसे इस तरीके का कार्य कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ प्रशासन उनके पुत्र की हत्या कर देती है, वो मार मार के हत्या कर देती है, उसके बाद जब हम गुहार लगाते हैं, कहते हैं कि भाई प्लीज़ बताइए क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग आपको न्याय देने का काम करेंगे, हम न्याय देंगे। हमने उसके लिए कितना आंदोलन भी किया, लेकिन आंदोलन करने के बाद ये होता है कि उन्होंने सब न्याय को मान लिया, सब चीज़ को कहा कि नहीं हम आपको आपके न्याय को मानते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। लेकिन हम भी उनकी बातों में कहीं ना कहीं आ गए थे, लेकिन आज ये प्रतीत हो गया कि भाजपा स्वर्णों की पार्टी नहीं है, और मैं तो कहता हूँ कि ये स्वर्ण विरोधी पार्टी है, क्षत्रिय विरोधी पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इतना बड़ा आडंबर कर रही थी कि बाबू वीर कुंवर सिंह का आज विजय गाथा और विजय उत्सव हम मनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। नहीं तो अगर वोट बैंक की बात नहीं होती तो उनकी बूढ़ी माता थी, आप उनकी माता जी की आंखों में देखिए कितनी बेबस है, वो कितनी बेबस और लाचार है। आज उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, आज आप 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं उसके पीछे, इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा महिमा मंडल बना रहे हैं, थोड़ा सा अगर उनके परिवार के ऊपर भी आप। शनिवार को आरा के जगदीशपुर में चल रहे वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव में सम्मिलित होने से भी उनके परिजनों को रोकने के लिए उन्हें नजरबंद तक करने की साजिश रची गई। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंह राठौर ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फूड पिलर लाइव।